हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 12 मेजर ऑफ लेंथ मास एंड कैपेसिटी एक्सरसाइज 55। यहाँ पे एक्सरसाइज 55 से रिलेटेड कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर के ऐड दिए हुए हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल 1 दिया हुआ है, ऐड है 8 मीटर 60 सेंटीमीटर, 2 मीटर 6 सेंटीमीटर एंड 84 सेंटीमीटर को ऐड करना है। तो 8 मीटर 60 सेंटीमीटर को हम कैसे लिखेंगे, 8.60 मीटर, 2 मीटर और 6 सेंटीमीटर को कैसे लिखेंगे, 60 लिखना है तो हम 6060 लिख देंगे, और 6 सेंटीमीटर लिखना है तो 6 लिखने के बाद उसके पहले एक जीरो लगा देंगे जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे हम 2 नंबर तक लिखेंगे तो 6 हमें लिखना है तो 6 इधर रहेगा और उसके पहले हम जीरो लगा देंगे जैसे यहाँ पे किया गया है। 84 सेंटीमीटर को 0.84 मीटर हम कर देंगे, फिर हम इसको ऐड करेंगे जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसी को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो 8.60 मीटर, 2.06 मीटर, 0.84 मीटर। तो सबसे पहले ये यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको हम ऐसे चेंज कर लेंगे, लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे। तो 6 और 4 10, 10 को 0, कैरी 1, 8 और 6 14 और 1 15, 8 टू 10 और 1 11। तो इस तरह हम इसको ऐड कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 11 मीटर और 50 सेंटीमीटर, या जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह के एग्जांपल एक्सरसाइज 55 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो दिया रहता है सबसे पहले हम उसको ऐसे चेंज करके लिख लेते हैं ताकि हमको ऐड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ऐड करना है 7 किलोमीटर 350 मीटर, 8 किलोमीटर 65 मीटर एंड 3 किलोमीटर 8 मीटर। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले लिख लेंगे उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे। तो 7 किलोमीटर 350 मीटर को कैसे लिखेंगे, तो 7.350 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पे जब हम मीटर लिख 1000 मीटर हो जाएगा तब तो वो 1 किलोमीटर हो जाएगा, तो यहाँ पे उससे कम होना चाहिए, यानी कि 7 किलोमीटर है तो इधर वाला जो नंबर है वो 3 डिजिट में होना चाहिए मीटर वाला। तो आइए इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे 7 किलोमीटर और 350 मीटर है तो यहाँ पे मीटर जो है 3 डिजिट का है तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन नीचे 8 किलोमीटर 65 मीटर है तो 65 मीटर है तो 65 लिखने के बाद उससे पहले हम ज़ीरो लगा देंगे जैसे यहाँ पे लगाया हुआ है 8.065 किलोमीटर। सर नेक्स्ट है 3 किलोमीटर और 8 मीटर को हम कैसे लिखेंगे, तो 3 किलोमीटर पॉइंट लगा देंगे, ये कंप्लीट है, और 8 लिखना है तो हमको ऐसे करके यहाँ पे 8 लिखना होता है, 65 लिखना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ज़ीरो लगा देंगे जब ये किलोमीटर होता है तब। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख लेंगे। तो इसको हम लोग पहले लिख लेंगे इसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। तो 7.350 किलोमीटर है यहाँ पे, 8.065 किलोमीटर, यहाँ पे 3.008 किलोमीटर है, इसको ऐड कर लेंगे। तो 8 और 5 13 को 3 कैरी 1, 6 और 5 11 और 1 12 को 2 कैरी 1, 3 और 1 4, 8 और 3 11 और 7 18। तो इस तरह
इस तरह आ जाएगा 18.423 किलोमीटर। तो इसको हम कह सकते हैं 18 किलोमीटर एंड 423 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है 6 किलोमीटर 365 मीटर फ्रॉम 14 किलोमीटर 240 मीटर, यानी कि फ्रॉम जो लिखा रहता है उसके आगे वाला ये 14 किलोमीटर बड़ा भी है, तो इसमें से हम इधर वाले को माइनस करेंगे, तो 14 किलोमीटर 240 मीटर को हम कैसे लिखेंगे, तो 14.240 किलोमीटर ऐसे लिख लेंगे। और नेक्स्ट है 6 किलोमीटर एंड 365 मीटर, तो इसको कैसे लिखेंगे, 6.365 किलोमीटर ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग इसको यहाँ पे माइनस कर लेंगे, 14.240 ये किलोमीटर हो गया, 6.365 ये किलोमीटर हो गया, इसको माइनस करेंगे तो 10, ये ज़ीरो है तो ये ज़ीरो में से 5 नहीं जाएगा तो कैरी लेगा, हो जाएगा 10। 10 से 5 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, ये हो जाएगा 3, 3 से 6 माइनस नहीं होगा कैरी लेगा, हो जाएगा 13, 13 से 6 माइनस करेंगे 7, ये हो जाएगा 1, तो 1 में से 3 नहीं माइनस होगा कैरी लेगा, हो जाएगा 11, 11 में से 3 जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, 3 से 6 माइनस नहीं होगा तो इससे कैरी लेगा, हो जाएगा 13, 13 से 6 माइनस होगा तो 7, तो 7.875 किलोमीटर, तो इसको हम लोग 7 किलोमीटर और 875 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है।